नमस्कार। राजा मानसिंह तोमर एक बहुत महान शासक थे। इस ग्वालियर नगर को जिस समय वो शासन कर रहे थे उस समय किसी भी ना मुस्लिम आक्रांता की हिम्मत थी ना किसी अन्य राजा की हिम्मत थी कि वो ग्वालियर राज्य की ओर आंख उठाकर देख सके। इतने प्रतापी शासक राजा मानसिंह तोमर जिनको आज हम याद कर रहे हैं, कुछ बातें करना चाहूँगा। वे एक श्रेष्ठ सेनानायक थे, एक श्रेष्ठ योद्धा थे और सबसे बड़ी बात वो बहुत न्यायप्रिय शासक थे। राजा मानसिंह तोमर के संदर्भ में एक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि वे बहुत बड़े दानवीर भी थे और उनकी तुलना उस शिलालेख में जो की गई है, रोहिताशगढ़ जो शिलालेख है उसमें ये उनकी तुलना जो की गई है वो इंद्र, कुबेर और राजा बलि से की गई है। अब जब कोई लेखक इस तरह की तुलना कर रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस समय राजा मानसिंह तोमर रहे होंगे वो कितने विशाल मना रहे होंगे, दान कितना किया करते होंगे कि जो लेखक है वो ये लिखने के पर मजबूर हुआ। तो ऐसे महान शासक, प्रतापी शासक राजा मानसिंह तोमर को आज हम याद कर रहे हैं। राजा मानसिंह तोमर ने पूरे ग्वालियर में जो शासन था उसको विस्तृत किया। साथ ही उनको इसलिए और भी याद किया जाता है कि मध्यकालीन समय में हिंदू स्थापत्य के मामले में उन्होंने अद्भुत प्रमाण छोड़े हैं। आप सभी ने संभवतः देखा हो मानसिंह महल और गुजरी महल, जिसको हम मान मंदिर कहते हैं, और नीचे किले के नीचे ही गुजरी महल है। ये हिंदू स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं, बेजोड़ इनके इसका स्थापत्य है जिसको पूरे भारत में बहुत मान्यता मिली हुई है। तो इस प्रकार स्थापत्य कला के मर्मज्ञ रहे। इसी तरह राजा मानसिंह तोमर कला प्रेमी भी थे, संगीत प्रेमी भी थे। मान कोतूहल नाम का उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की और ध्रुपद को, जो ध्रुपद संगीत है, शास्त्रीय संगीत की एक विधा है, उसको कई सारी रचनाएं दी उन्होंने अपनी। तो इस प्रकार से उन्होंने साहित्यकारों का, कवियों का, संगीतकारों का प्रश्रय भी दिया। मृगनेनी जो उनकी रानी थी उनको भी सिखाने के लिए उन्होंने एक संगीतकार की व्यवस्था की, बैजू बावरा जिनको हम जानते हैं। तो इस प्रकार से राजा मानसिंह तोमर जो हैं वो बड़े प्रतापी शासक थे। उनका इस पूरे ग्वालियर क्षेत्र में सैन्य शासन तो था ही, धार्मिक शासन भी रहा और दयावान शासन भी रहा उनका। तो इस प्रकार से हम राजा मानसिंह तोमर को आज याद करते हैं। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में लगभग 30 वर्ष इस ग्वालियर क्षेत्र पर शासन किया और इसके आसपास का काफ़ी इलाका उनके पास था। जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने भी दो एक बार लोधियों ने यहाँ आक्रमण करने की कोशिश की उनके समय में, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। और ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि उनकी तलवार को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती थी, वो लगातार काम कर रही थी, अपना दुश्मनों का संहार कर रही थी। और वो तभी शांत हुई जब राजा मानसिंह तोमर स्वयं शांत हुए। तो इस प्रकार से उनकी ख्याति है, वे वीर थे, योद्धा थे और उनके जो काम हैं आज ग्वालियर में काफ़ी कुछ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उस काम को आगे बढ़ाया भी जा रहा है। आज उनके नाम से ग्वालियर में एक संगीत विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है, राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय। और वो भी इसलिए क्योंकि संगीत के क्षेत्र में भी उनकी रुचि थी और उन्होंने संगीत के विस्तार के लिए काम किया था। और ऐसा ही हमें, अगर हम प्राचीन काल में चले जाएँ तो समुद्रगुप्त के समय में भी जानकारी मिलती है कि वो भी इस प्रकार से ललित कलाओं का, संगीत का, साहित्य का विशेष रुचि लेने वाला शासक था। और इसी प्रकार राजा मानसिंह तोमर रहे, उनके कार्यकाल में संगीतकार, कलाकार सभी को बड़ा प्रश्रय मिला और इनके बारे में कई सारे साहित्यकारों ने, कवियों ने काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन विशेष रूप से जो लिखा है वो खड़ग राय ने लिखा है। उनके गोपाचल आख्यान में इनके, राजा मानसिंह तोमर के संदर्भ में काफ़ी जानकारी मिलती है। नमस्कार।